तो आ गए आप लोग, क्या जानते हो कि हमारे पूरे वर्ल्ड का फ्लैग क्या है और ये मर्सिडीज कार का नाम मर्सिडीज कैसे पड़ा और ये बड़े बड़े वाटर टैंक किस लिए लगाए जाते हैं। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। फैक्ट नंबर वन, आप लोगों ने जानवरों के बच्चे पैदा होते हुए देख रखे होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो अपनी माँ के पेट में कैसे दिखते होंगे? तो आप इस कछुए की एक्सरे फोटो देखो, कछुए के पेट के अंडे कुछ ऐसे दिखते हैं एक्सरे में। फैक्ट नंबर टू, आप इस मैप को देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये ब्लैक ब्लैक सी डॉट है इस मैप के ऊपर, पर असली में ये पोलैंड का मैप है जो कि ये दिखाता है कि पोलैंड में कितने चर्च अवेलेबल हैं, इतने सारे चर्च। फैक्ट नंबर थ्री, आप लोगों ने किसी वीडियो या फिर किसी वाइंस में ये कहते हुए सुना होगा कि आईफोन चाहिए तो किडनी बेचनी पड़ेगी, मतलब हंसी मजाक में लोग आईफोन के प्राइस को दिखाते थे कि इतना महंगा आईफोन है कि आपको किडनी बेचनी पड़ जाएगी। तो एक बार क्या हुआ कि एक चाइना के लड़के वोंग शेंगकुन ने सही में अपनी किडनी बेच दी थी एक आईफोन को खरीदने के लिए 2011 में, और अब इस लड़के को अपनी सारी जिंदगी बेड पर बितानी पड़ रही है। फैक्ट नंबर फोर, आप लोगों ने बहुत सारे देशों के फ्लैग्स देख रखे होंगे, पर क्या आप जानते हो कि हमारे पूरे अर्थ का भी एक फ्लैग है और वो फ्लैग ये है जो कि जॉन मैकोनल ने 1969 में डिजाइन किया था। फैक्ट नंबर फाइव, आप लोगों ने मर्सिडीज कार देखी होगी और शायद आप इस गाड़ी को फ्यूचर में लेने की भी सोचते होगे, पर क्या आप जानते हो कि मर्सिडीज को उसका नाम मर्सिडीज कैसे मिला? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। मर्सिडीज को उसका मर्सिडीज नाम अपने पहले कस्टमर एमिल जेलिनेक की बेटी मर्सिडीज जेलिनेक से मिला, मतलब पहले कस्टमर का ही नाम ले लिया। फैक्ट नंबर सिक्स, आपने कभी सोचा है कि यह बड़ी बड़ी सी टंकी कई जगहों पर क्यों होती है? बहुत लोग तो कहेंगे कि यह पानी स्टोर करने के लिए होता है। आप थोड़े थोड़े ठीक हो, पर पूरी तरह से नहीं। देखो, जब किसी को पानी चाहिए होता है तो कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को प्योरीफाई करके पाइप के थ्रू आप तक पहुंचा देती है, पर आपको जितनी ज़रूरत होती है आपको उतना ही पानी चाहिए होता है, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो कंपनी उसे उस वाटर टैंक में स्टोर कर देती है। अब ऐसा करने के तीन कारण है, इनकेस अगर जो कंपनी वाटर को प्योरीफाई करके आप लोगों तक पहुँचाती है वो कंपनी की मशीन खराब हो जाए तो उस समय शॉर्ट पीरियड के लिए हम इस वाटर टावर का पानी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इन्हें इतना ऊँचा इसलिए रखा जाता है ताकि जो पाइप उस वाटर टावर से अटैच है उसमें प्रेशर बन पाए और उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने यानी बांटने में आसानी हो जाए, और कई बार हम इस हाई फ्लो वाले वाटर को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज कर लेते हैं। इस तरीके से ये छोटे डैम की तरह काम करेगा। ये आपको पता ही होगा कि तेज प्रेशर से अगर कोई चीज आए तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए डैम, तो बस यही काम है इसका। और ये वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की कमी या फिर जहाँ पर पानी पहुँचाया ना जा सके, वहाँ पर ये इंस्टॉल किए जाते हैं। तो बस यार गाइज, यही था आज की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले। बाय।